हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं नीलेश गुप्ता आप लोग का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, कल मैं आप लोगों को कल लेक्चर में वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ क्या पढ़ा के दिया था। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और डोबरायनर ट्राइड्स के नियम एक्चुअली उसके बारे में आप लोग को बता के दिया था। ओके, तो आज के लेक्चर की वीडियो में मैं आप लोग को फर्स्ट वन नीलन लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, देखो नीलन लॉ ऑफ ऑक्टेव तो क्या मतलब, व्हाट मीन बाय नीलन लॉ ऑफ ऑक्टेव? ऑक्टेव मीन्स एट होता है, बिकॉज इस हियर साइंटिस्ट इज इंग्लिश साइंटिस्ट बिकॉज ही हैड डिस्कवर्ड बाय एट एलिमेंट, दैट्स वाई हिज नेम इज लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, फर्स्ट वन देखो, इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन नीलन कोरिलेटेड द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट टू देयर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट वे। जो इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन नीलन थे, कोरिलेटेड द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट, जो उनके हिसाब से उनको ज्ञात था, जो पता था, उन्होंने अपने तरीके से डिफरेंट वे अपने आने अलग तरीके से इस चीज प्रॉपर्टीज की मतलब खोज की हिसाब से। सेकेंड पॉइंट पे, इन द ईयर 1866 नीलन अरेंज द एलिमेंट नोन एट दैट टाइम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन द ईयर 1866 मतलब 1866 में नीलन ने अरेंज द एलिमेंट नोन एट दैट, जो इन्होंने पता था, उन्होंने उस एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस को मतलब रखा, जो इन्होंने जिस चीज़ का इनको अच्छे से पता था, जो उन्होंने खोज की डिस्कवर किया था एट एलिमेंट, उस एलिमेंट को कि एटॉमिक मास जो थी इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने किए। ओके, थर्ड पॉइंट, इट्स स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट। जो बेंडर सबूज जब इन्होंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट में लाइटेस्ट एलिमेंट, लाइटेस्ट एलिमेंट आप लोग को पता रहेगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब इसका एटॉमिक मास नंबर वन होता है, क्या होता है, वन। एंड एंडेड अप विद थोरियम, और जो लास्ट में इन्होंने एंड किया थोरियम से। ओके, स्टार्ट इन्होंने हाइड्रोजन किया, इन इन्होंने थोरियम से किया। थर्ड पॉइंट, देन यू कैन राइट फोर्थ पॉइंट, ही फाउंड दैट एवरी एट्थ एलिमेंट, इन्होंने क्या पाया, एट एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। इन्होंने एट एलिमेंट पाया जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है सेम होती है। इन्होंने इनको मिला, जो इन्होंने सर्च किया तो इनको प्राप्त हुआ कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट जब इन्होंने फाइंड किया तो इन्होंने फर्स्ट और एट एलिमेंट जैसा दिया, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज रहेगी सिमिलर रहेगी, ये चीज़ इन्होंने फाइंड किया था। ओके, इट्स ओके डन। फॉर एग्जांपल, सोडियम इज द एट एलिमेंट फ्रॉम लिथियम। सोडियम लिथियम में, लिथियम इज फ्रॉम फर्स्ट समझ लो, सोडियम इज एट एलिमेंट। तो फर्स्ट तो सोडियम और लिथियम जो समानता सिमिलरिटी थी दोनों की सेम थी प्रॉपर्टीज की। ओके, बहुत सिमिलर प्रॉपर्टीज दोनों में, चीज प्रॉपर्टीज जो थी दोनों की सेम थी सोडियम लिथियम का। देन आल्सो मैग्नीशियम शो सिमिलरिटी टू बेरिलियम। इसी प्रकार मैग्नीशियम सॉरी मैग्नीशियम की जो सिमिलरिटी बताई थी बेरिलियम की, मैग्नीशियम बेरिलियम सिमिलरिटी समान थी, और इसी तरह फ्लोरीन क्लोरीन की भी सिमिलरिटी इक्वल थी प्रॉपर्टीज जो इन्होंने डिस्कवर किया था, कौन, नीलन द ऑक्टेव जी। नीलन कंपेयर दिस सिमिलरिटी विद द ऑक्टेव म्यूजिक। नीलन ने जिस जो चीज़ की डिस्कवर किया था, जो चीज़ उनको फाउंड हुआ था या मिला था, कंपेयर दिस सिमिलरिटी, कंपेयर इन्होंने जो जो चीज़ इनको मिला समानता स्वरूप जो सिमिलरिटी मिली, उन्होंने उसकी कंपेयर किससे किया, ऑक्टेव म्यूजिक से। ऑक्टेव म्यूजिक आप लोग को पता रहेगा, जैसे सारे गामा में सात स्वर होते, सारे गा म प ध नी, एक्चुअली उसकी तरह ही। ही कॉल्ड द सिमिलरिटी ऑब्जर्व इन द एट, उन्होंने क्या देखा, ही कॉल्ड द सिमिलरिटी ऑब्जर्व इन एट, आठ एलिमेंट में जो सिमिलरिटी पाई जाती है समानता प्रॉपर्टीज की, फर्स्ट एलिमेंट एज द लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो फर्स्ट एलिमेंट था, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव था, इसका था
लॉ ऑफ ऑक्टेव का। देखो फर्स्ट एलिमेंट एट्थ एलिमेंट जो आप देखिए इनको जो मिला फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का, फर्स्ट रहेगा लास्ट एलिमेंट जो इन्होंने ऑब्जेक्ट देखा उसमें दोनों में समानता पाई, सिमिलरिटी प्रॉपर्टी, सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का। जैसे आप लोग मैंने एग्जाम्पल जो इसमें दिया है सोडियम का लिथियम के साथ में, फ्लोरीन का क्लोरीन के साथ में, ओके, और मैग्नीशियम का बेरिलियम के साथ में। मैग्नीशियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज है तो केमले लास्ट एट्थ जो है आपका क्या है बेरिलियम, उसकी भी सिमिलर प्रॉपर्टीज रहेगी दोनों का इक्वल, ओके। ये चीज़ इन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए इनका नाम क्या था लॉ ऑफ ऑक्टेव। फिर भी कंटिन्यू लॉ ऑफ ऑक्टेव में देखो म्यूजिकल नोट में डो रे मी फा सो ला टी ये पश्चिम में उत्तर में बोला जाता है इसमें स्वर होता है, हाँ। इस प्रकार इंडिया में नोट में सारे गा म प धनी से होता है कि उसकी तरह ही, ठीक है। तो आप लोग इस टेबल को कैसे याद रखोगे, एक्चुअली मैं उस चीज़ आप लोग को एक ट्रिक बता के दे रहा हूँ। देखो पहला डू यू में देखो मैं गाने की तरह याद कर देता हूँ, एक बार आप लोग सुन लो फिर आपको समझ में आ जाएगा। हली क्या यच हली बे बैकनो हली बे बैकनो हली बे बैकनो, ओके। सेकेंड फना मैगी अलसी पीस फना मैगी अलसी पीस, देखो याद रखो फना किसी लड़की का नाम, मैगी आप लोगों को पता रहेगा, फना मैगी अलसी पीस एल ऐसा अलसी और पीस, ओके। तीसरा कैसे रखो कल कक्का कार तेरी मैंने फेंका, क्या बोलोगे आप कल सी एल कल के का कल कक्का कार सी आर तेरी एम एन एफ ए कल कक्का कार तेरी मैंने फेंका, ओके। ये चीज़ मैं आप लोगों को याद रखनी ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी आप लोगों को टेबल याद रहेगा, ओके। कंटिन्यू कोनी क्या दिया कोनी कॉपर जिंक ये इनसे बोलते नहीं कोनी कॉपर जिंक ए इन से ई ए या ई इन असे इन से, ओके। आप कैसे याद रखो कोनी सी ओ एन आई कोनी कॉपर जिंक य मतलब वाई इन आई एन ए एस एस सी इन से, ओके। लास्ट देखो बुरा रब सर सेल सर सेल जरा क्या बोल सकते हो आप बुरा रब क्या बोल सकते हो आप बुरा रब सर से ले जरा देखो बुरा रब सर से ला जरा बुरा रब सर से ला जरा ये चीज आपको याद रखने की टेक्निक, ओके। तो मैं वापस एक बार रिवाइंड करवा देता हूँ, पहले देखो हली बे बैकनो फना मैगी अस्सी पीस कल कक्का कार तेरी मैंने फेंका कोनी कॉपर जिंक ए इन से, ओके। बुरा रब सर से ला जरा, ओके। ऐसा आप याद रख सकते हो।